हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बाइसिंग बीजेटी बाइसिंग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके बाद मैं एक बाइसिंग से रिलेटेड और उसी के आगे का एक बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दो ले आया हूं, थर्मल रनवे एंड स्टेबिलिटी फैक्टर। आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे जो बोर्ड पर मैं लिखा हूँ। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थर्मल रनवे एंड स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि स्टेबिलिटी फैक्टर जो हमारा बीजेटी है, जो बायसिंग है, फिक्स्ड बायस है, एमिटर बायस है, वोल्टेज डिवाइडर बायस है, फीडबैक बायस है, जिसमें कौन सी बायसिंग स्टेबल है, स्टेबिलिटी फैक्टर किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, व्हाट इज थर्मल रनवे। हम समझते हैं पहले, सबसे पहले थर्मल रनवे। तो थर्मल रनवे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर का दो फंक्शन होता है। आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर किसका किसका फंक्शन होता है, आप लोग इस चीज से फैमिलियर हैं, जिसको ICBO करंट कहते हैं, कलेक्टर टू बेस व्हेन एमिटर आर ओपन सर्किट, या इसी को ब्रैकेट में ICO भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है ICO। ठीक है, दूसरा पैरामीटर हमारा BBE बैरियर पोटेंशियल, जो जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल है, इस पे डिपेंडेंट है टेम्परेचर। ये दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो ये भी इंक्रीज होगा। ठीक है, और जो बीबी की वैल्यू है ये डिक्रीज होती है, बीबी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो यहाँ से हमें आपको पता है कि जो आईबी है, आईबी इंक्रीज होगा। अभी मैं दोनों का रीजन बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, फिर दोनों से मिलकर बना है आपका, इन दोनों फैक्टर से मिलकर बना है आईसी, तो आईसी भी इंक्रीज होगा। आईसी इंक्रीज होगा तो आप लोग जानते हैं कि आईसी इंक्रीज होगा तो आपका जो पीसी है, कलेक्टर की पावर, ये भी इंक्रीज होगी। कलेक्टर की अगर पावर इंक्रीज होगी तो हीट जनरेट होगी। क्या होगी बाबू? हीट जनरेट होगी। ठीक है, हीट जनरेट होगी तो ये देखिए, ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। इसका मतलब आपका हीट जनरेट होगी तो फिर से टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर से आईसीयू इंक्रीज होगा। जैसा कि आप लोग प्रीवियस क्लास में या प्रीवियस सेमेस्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं, जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है, कलेक्टर एंड बेस के बीच में जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है, और वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद आपका जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है जस्ट डबल हो जाती है। क्लियर हो? और जो बैरियर पोटेंशियल है आपका, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होता है, -2 mV/degree centigrade। 1 degree centigrade टेम्परेचर आपको डिक्रीज करने पे और ये बढ़ाने पे, जो हमारा -2 mV का जो बैरियर पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये दोनों फैक्टर टेम्परेचर पे, दोनों फैक्टर डिपेंडेंट है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ICBO भी इंक्रीज होगा, ICBO इंक्रीज होगा तो BBE की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि ये क्या है, बैरियर पोटेंशियल है। बैरियर पोटेंशियल ये देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो बीजेटी है, बीजेटी में बैरियर पोटेंशियल पे आईबी का क्या इफेक्ट है। जैसे मैं एक सिंपल अभी बीजेटी सर्किट लिया हूं, बीजेटी सर्किट में आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे मैं मान लीजिए कि ये आरबी रेजिस्टेंस ले लिया, मैं एक सिंपल सा सर्किट बना रहा हूँ केवल समझाने के लिए, और यहाँ पे आपने एक वोल्टेज ले लिया जो बीबी है, बायसिंग वोल्टेज, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है आरई, और ये वोल्टेज है बीबीई, इसके अक्रॉस वोल्टेज है प्लस माइनस, ये वोल्टेज को कहते हैं बीबीई। जैसा कि मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप लोग जानते हैं कि जो आईबी है, ये आईबी की वैल्यू होगी बीबीबी और माइनस बीबीई और डिवाइड बाई आपका क्या होगा, आरबी प्लस बीटा प्लस 1 into RE। ठीक है, तो देखिए यहां पे जैसे आईबी की वैल्यू डिक्रीज होगी, बीबीई की वैल्यू जैसे डिक्रीज होगी तो आईबी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
ठीक है। तो यहां से हमने बताया कि टेम्परेचर पे बैरियर पोटेंशियल डिपेंडेंट है, और आपका जानते हो कि हमने बताया 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होता है तो -2 मिलीवोल्ट, कितना -2 मिलीवोल्ट का जो पर डिग्री सेंटीग्रेड जो बैरियर पोटेंशियल क्या होता है डिक्रीज होता है। एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो रिवर्स सेचुरेशन करंट है जस्ट डबल हो जाती है, जिसको कनेक्टर टू बेस व्हेन एमिटर आर ओपन सर्किट इस कलेक्टर करंट को बोलते हैं, या आईसीयू सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसा कि देखते हैं कि इन दोनों का फंक्शन आईसी है, कैसे आईसी फंक्शन है मैं आपको आगे क्लियर करता हूं। जो हमारी आईसी करंट है ये क्या होती है, बीटा इंटू आईबी, आप प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, ये डेरिवेशन भी किए होंगे, प्लस बीटा प्लस वन इंटू क्या होती है आईसीबीओ या आईसीओ कह सकते हो आईसीओ। तो जो आईसी करंट है ये किसका फंक्शन है, आईबी का और आईसीओ का। अगर ये दोनों बाबू आईसीओ भी इंक्रीज हो रही है आईबी भी इंक्रीज हो रही है तो आईसी भी इंक्रीज होगी। अगर आईसी इंक्रीज होगी तो जो पीसी है, पीसी मींस क्या हो गया कलेक्टर की पावर, कलेक्टर की पावर, पावर क्या होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो वीसीई इंटू आईसी। आप देख रहे हैं कि जब आईसी इंक्रीज होगी तो आपका पीसी भी इंक्रीज होगा, पीसी इंक्रीज होगा तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो आपका टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा, और टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो हमारा ट्रांजिस्टर है उस वहां पे इतना ज्यादा हीट डेवलप हो जाएगी कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो बर्न हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल रनवे, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल रनवे। तो इसीलिए कलेक्टर की साइज हम ज्यादा रखते हैं, कलेक्टर की साइज क्या रखते हैं ज्यादा रखते हैं। दो रीजन है, कलेक्टर में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते हैं इसलिए उसमें उसकी साइज ज्यादा रखते हैं। दूसरी बात, कलेक्टर में की साइज ज्यादा रखने से कूलिंग इजी हो सके, ठीक है। इसीलिए आप देखे होंगे किसी भी आपका सिस्टम है पीसी है उसमें एक फैन लगा होता है, कूलिंग फैन, जो क्या करता है हीट को बार बार रिलीज करता जाता है। तो अब हम आपको बताए कि देखिए हम थोड़ा सी ये थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं, पूरा डिस्कस है और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ज्यादा टाइम इसके लिए चाहिए, लेकिन ज्यादा टाइम अगर हम लगा देंगे यहाँ पे डिस्कस करते तो वीडियो अपलोड करने में बड़ा टाइम लग रहा है, तो इसलिए हम थोड़ा इसको शॉर्ट में बता रहे हैं, ठीक है। तो टू अवॉइड द थर्मल रनवे, रनवे मतलब देखिए एक तरह से इस पे ये प्रोसेस चलता रहता है, इसीलिए टू अवॉइड द थर्मल रनवे। तो साइंटिस्ट ने बताया कि टू अवॉइड द थर्मल रनवे, तो ये क्या है डेल पीसी बाय डेल आईसी लेस देन क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। कह रहा है कि अगर हम जो हमारा पीसी है जो पावर कैलकुलेट कर रहे हैं आईसी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आईसी को जैसे पीसी बढ़ रहा है तो अगर इनका डिफरेंशिएशन डेल पीसी बाय बहुत माइनूट चेंज अगर ये जीरो से कम हो जाएगा तो थर्मल रनवे को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास कंडीशन आ गई, तो थर्मल रनवे किस पे, देखिए टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिवर्स सैचुरेशन करंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी वो बढ़ेगी, बैरियर पोटेंशियल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ये डिक्रीज होगा, अगर बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो आईबी इंक्रीज होगा, आईबी इंक्रीज होगा और आईसी जो है इन दोनों का फंक्शन है, यहाँ पे जैसा मैं बता रहा हूँ आईबी इंक्रीज होगा आईसीओ इंक्रीज होगा तो आईसी भी इंक्रीज होगा, आईसी इंक्रीज होगा तो पीसी इंक्रीज होगा, पीसी इंक्रीज होगा तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा, टेम्परेचर फिर से बढ़ेगा तो ये सारे पैरामीटर फिर से इंक्रीज होंगे, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो क्या हो जाएगा बर्न हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं थर्मल रनवे, टू अवॉइड द थर्मल रनवे डेल पीसी बाय डेल आईसी क्या होना चाहिए लेस देन जीरो होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये थ्योरेटिकली हमने कह तो दिया, थ्योरेटिकली इसको हम प्रूव करते हैं कि इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो मान लीजिए कि ये कोई ट्रांजिस्टर है जिसमें ये करें आपका रेजिस्टेंस आरसी है और इसमें करंट फ्लो हो रही है आईसी, और ये देखिए ये है आपका आरई, इसमें करंट फ्लो हो रही है आईई। तो इस तरह से इसमें मैं आउटपुट केवीएल लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पीसी निकालना है, क्या निकालना है पीसी। तो देखिए मैं इसमें केवीएल लगा रहा हूं, तो ये केवीएल आउटपुट केवीएल अप्लाई कर रहा हूं, तो लिख रहा हूं वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी माइनस वीसीई माइनस आईई इंटू आरई इक्वल टू जीरो। देखिए मैं डॉटेड जो बनाया हूं इसमें केवीएल लगाया हूं, बेसिकली किसमें केवीएल लगाया हूं,
ये देखिए VCC हायर वोल्टेज है, करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूं, -IC into RC, यहां का वोल्टेज प्लस माइनस, ये कलेक्टर और एमिटर के बीच का वोल्टेज है प्लस माइनस VC, तो हायर से लोअर जा रहा है माइनस VC माइनस IE into RE equal to 0, तो आपका IE की देखिए यहाँ पे जो है यहाँ से मुझे मिल जाएगा VCE की वैल्यू, VCE की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी VCC माइनस IC ब्रैकेट में RC प्लस RE, ये आ जाएगी, ठीक है। मुझे PC निकालना है, जो क्या जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ, PC इक्वल टू क्या होगा, जो VC के क्रॉस वोल्टेज होगा मल्टीप्लाई करंट होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो VC मैं निकाल चुका हूं, तो ये लिखूंगा VCC और ये किसके इक्वल हो जाएगा IC और इनटू IC स्क्वायर और ये ब्रैकेट में RC प्लस RE ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विथ रेस्पेक्ट टू क्या IC, तो आप डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू PC, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू IC, ठीक है, डेल PC बाय डेल IC में लिख रहा हूं, तो ये देखिए क्या आ रहा है, ये हो जाएगा VCC और ये आ जाएगा 2IC और ये ब्रैकेट में क्या होगा RC प्लस RE, ठीक है। तो हमने कहा कि टू अवॉइड द थर्मल रनवे, ये थ्योरेटिकल हमारे पास कंडीशन है कि डेल PC बाय डेल IC क्या होना लेस देन जीरो होना चाहिए, तो ये कंडीशन यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, टू अवॉइड द थर्मल रनवे, टू अवॉइड Avoid the thermal runway, तो del PC by del IC less than क्या होना चाहिए जीरो, इट मीन्स यहां से हम आगे लिख रहे हैं कि हमारा जो VCC है माइनस टू IC माइनस टू IC ब्रैकेट में क्या होगा RC प्लस RE जो है ये लेस देन क्या होना चाहिए जीरो। अब देखिए ये जो हमने ये इसको इक्वेशन वन मान लीजिए, इसको इक्वेशन टू मान लीजिए, इसको इक्वेशन टू मान लीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन वन से देखिए, इस इक्वेशन से हम IC RC प्लस RE की वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं, आप देखिए ये हो जाएगा VCC माइनस टू और IC और इसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा VCC माइनस VCE और ये ब्रैकेट में लेस देन क्या होना चाहिए जीरो, तो यहां से आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस VCC और प्लस टू VCE लेस देन क्या होना चाहिए जीरो, तो आप VCE की वैल्यू क्या होनी चाहिए लेस देन VCC बाय क्या होनी चाहिए टू। ये हमारे पास बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन निकल के आ गई कि जो VC है कलेक्टर और एमिटर का वोल्टेज हमेशा VCC बाय टू होना चाहिए, मीन्स जो इस ट्रांजिस्टर को सप्लाई वोल्टेज आप दे रहे हैं VCC, इसका हमेशा आधा डिवाइड मतलब डिवाइड बाय टू मतलब हाफ से हमेशा कम होना चाहिए। तो ये तो थ्योरेटिकली कंडीशन निकल गई, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन निकली है, आप कोई भी IAS का पेपर देख लीजिए 10 साल का और गेट के पेपर में ये काफी डायरेक्ट बार पूछा है कि टू अवॉइड द थर्मल रनवे कंडीशन, ये आपको याद होना चाहिए VCE लेस देन क्या होना चाहिए VCE VCC डिवाइड बाय 2। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू निकल के आई कि VCE की वैल्यू हमेशा VCC बाय 2 से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, लेकिन ये देखिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जब बायसिंग आप डिजाइन कर रहे होंगे तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि ये वोल्टेज हमेशा VCC बाय 2 से कम होना चाहिए। तो ये थ्योरेटिकली वैल्यू तो सही है, थ्योरेटिकली हमने कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि टू अवॉइड द थर्मल रनवे हमारा जो VCC बाय 2 से वैल्यू कम होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाने के लिए ये देखिए इसमें हम कुछ चेंज करते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल करने के लिए इसमें हम कुछ चेंज करते हैं, जैसा कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये थ्योरेटिकल वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है और प्रैक्टिकल पॉसिबल करने के लिए ये देखिए हम इसमें कुछ चेंज करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताया कि ये देखिए ये तो हमने कंडीशन निकाल लिया थ्योरेटिकली कि जो VCE की वैल्यू है VCC बाय 2 से कम होनी चाहिए। अब आइए देखिए कि ये तो थ्योरेटिकली हमने वैल्यू निकाला, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है नहीं, तो इसके लिए हमने दूसरी कंडीशन निकाला, क्या निकाला,
का ये देखते हैं कि जो हमारा आईसी है बेसिकली आईसी इंक्रीज डिक्रीज की वजह से पीसी इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा आईसी है किसका किसका फंक्शन है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा आईसी है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि आईसी क्या है, बीटा इंटू आईबी है और प्लस, और ये क्या है, बीटा प्लस वन इंटू आईसीओ है। ठीक है, ये ऑलरेडी डेरिवेशन आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यहां से जो हमारा आईसी है ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा है आईसीओ का। नंबर वन पे आईसीओ का फंक्शन है, साथ में किसका फंक्शन है, बीबीई का फंक्शन है और बीटा का फंक्शन है। कैसे आपको पता चला, देखिए आईसीओ रिवर्स सैचुरेशन करंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, आईसीओ रिवर्स सैचुरेशन करंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है जस्ट डबल हो जाती है। ठीक है, बीबीई क्या है, बैरियर पोटेंशियल, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने पे ये जस्ट -2 मिलीवोल्ट डिक्रीज हो जाता है। ये डिक्रीज हो जाता है तो हमारा आईबी भी इंक्रीज हो जाता है, आईबी इंक्रीज हो जाता है तो आईसी भी इंक्रीज हो जाता है। बीटा क्या होता है, आईसी बाई आईबी, तो ये भी इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमारा देखा कि जो आईसी है तीन चीजों का फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं कि अब आईसी को माइन्यूट वैल्यू हम हल्का सा चेंज करके देखते हैं कि आईसी डेल्टा टी आईसी, मतलब डेल्टा आईसी की वैल्यू ये चेंज करके हम देखते हैं कि इन सबों में किसका इफेक्ट ज्यादा आ रहा है। तो हम इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का लगाया, जो आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन किसी तीन वेरिएबल फंक्शन को कैसे लिखते हैं, तो हम क्या लिखे, आईसी के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल आईसी बाय डेल आईसीओ, ठीक है, तीन का फंक्शन था, इंटू डेल्टा आईसीओ प्लस ये क्या हो जाएगा डेल आईसी बाय डेल बीबीई इंटू डेल्टा बीबीई, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा डेल आईसी बाय डेल बीटा इंटू डेल्टा बीटा। ठीक है, तो हमने देखा कि बहुत माइन्यूट हमने आईसी में चेंज किया। अब देखते हैं कि इसमें किसका इफेक्ट सबसे ज्यादा आईसी के चेंज में पड़ रहा है, तो इसलिए हमने इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन लगा दिया। और डेल्टा आईसी का हमने फंक्शन देखा कि डेल्टा आईसी में जो चेंज हो रहा है ये किसके, इसको कह दिया गया यस इंटू डेल्टा आईसीओ, और वो यस डैश इसको बोल दिया गया डेल्टा बीबीई, और ये टर्म आया यस डबल डैश इसको डेल्टा बीटा। ठीक है, तो इस तरह से वेयर आप लोगों को एक जो नया टर्म हम दिख रहा है यस एंड यस डैश एंड यस डबल डैश इज द स्टेबिलिटी फैक्टर है। ये क्या है, स्टेबिलिटी, ये फैक्टर है, स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, तो अब हमने देखा कि डेल्टा आईसी जितने यस यस डैश और यस डबल डैश जितने ये वैल्यू कम होंगे उतने हमारा डेल्टा आईसी कम इंक्रीज होगा, हमारा डेल्टा आईसी कम इंक्रीज होगा तो उतने हमारा जो स्टेबिलिटी फैक्टर आपका कम होगा। ठीक है, उतना ज्यादा हमारा सिस्टम क्या रहेगा, स्टेबल होगा। आइए देखते हैं कैसे। अब यस यस डैश और यस डबल डैश स्टेबिलिटी फैक्टर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं यस और यस डैश और यस डबल डैश, ये देखिए यस जो हमारा है आईसीओ के कारण है और यस डैश जो है हमारा ये बीबीई के कारण है और ये क्या है, बीटा कारण। अच्छा, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइक्रो एम्पियर में होगी या नैनो एम्पियर में होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.3 या 0.7 वोल्ट होगी। ठीक है, 0.3 या 0.7, इसकी वैल्यू 50 से लेके 300 तक होगी। तो जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है सबसे लार्ज तो ये है, इसके कारण ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा डेल्टा आईसी पे नहीं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, ये देखिए एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जस्ट डबल हो जाता है। तो सबसे मोस्ट हार्मफुल हमारे ट्रांजिस्टर के लिए ये है, सबसे मोस्ट हार्मफुल हमारे ट्रांजिस्टर के लिए। क्यों, क्योंकि देखिए ये तो बहुत माइन्यूट है, ये है जो बीटा है बेसिकली आईसी बाई क्या है, आईबी, तो बीटा भी इसी पे डिपेंडेंट है। बीटा जो है, बीटा क्या लिख सकते हो, आईसी बाई आईबी, तो ये बीटा भी इसी पे डिपेंडेंट है, ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है आईसीओ। तो अगर सबसे मोस्ट हार्मफुल ये है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर यस कंट्रोल कर लिए तो यस डैश और यस डबल डैश इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड।
When S is control, then S dash and S double dash is automatically control. तो हमारा मेन टारगेट है कि S को कंट्रोल किया जाए, ठीक है? तो इसीलिए कहते हैं स्मॉलर द स्टेबिलिटी फैक्टर, स्मॉलर जितना स्टेबिलिटी फैक्टर आपका स्मॉलर होगा उतना आपका सिस्टम स्टेबल होगा, उतना हमारी बाइसिंग क्या होगी, स्टेबल होगी, ठीक है? आपका जो स्टेबिलिटी फैक्टर, क्यों? क्योंकि देखिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये जो फैक्टर है यस ये उतने कम होने चाहिए, जितने ये कम होंगे उतने डेल्टा एसी में चेंज कम होगा, उतने डेल्टा एसी में कम चेंज होगा उतने पावर हमारी कम बढ़ेगी, उतने पावर कम बढ़ेगी तो उतने हीट जनरेट कम होगी, हीट जनरेट कम होगी तो टेम्परेचर कम इंक्रीज होगा, ठीक है? तो ये प्रोसेस में हमने बताया कि जो स्मॉलर द स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है, स्मॉलर द स्टेबिलिटी फैक्टर बेटर इन स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी में तभी आपका आपके जैसे स्टेबिलिटी फैक्टर आप कम होगा उतने स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है? सिंपल ये है, ठीक है? तो हमने देखा मोस्ट हार्मफुल हमारे पास यस आ गया, तो यस इक्वल टू क्या है, ये डेल आई सी बाई डेल आई सी ओ, सबसे मोस्ट हार्मफुल हमारा ये है और यही स्टेबिलिटी फैक्टर है, ठीक है? देखिए स्टेबिलिटी फैक्टर तो ये भी है, यस डैश जो है आगे कंपटीशन के लिए ये भी कैलकुलेट करेंगे हम, ये हो जाएगा डेल आई सी बाई, ये किसके कारण है, डेल बी बी ई के कारण है, ठीक है? ये इस फैक्टर के कारण है, और यस डबल डैश किसके कारण है, ये डेल आई सी बाई डेल बीटा के कारण है। तो ये भी सब स्टेबिलिटी फैक्टर है, लेकिन जो मोस्ट हार्मफुल है और मोस्ट पॉपुलर है स्टेबिलिटी फैक्टर यस इक्वल टू डेल आई सी बाई डेल आई सी ओ, ठीक है? तो अब हम इसको कैलकुलेट करने चल रहे हैं कि हमारा जो डेल आई सी है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है कि जो हमारा आई सी है, देखिए थ्योरेटिकल जो वैल्यू हमने थर्मल रनवे का निकाला था जो वी सी लेस देन वी सी सी बाई क्या होना चाहिए, 2, ये थ्योरेटिकल वैल्यू तो सही है लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप बार बार आप देखते रहे कि जो यहाँ का वोल्टेज है हमेशा वी सी सी बाई 2 से कम होना चाहिए, ठीक है? तो उसी के लिए हमने देखा कि जो आई सी है, आई सी किसका किसका फंक्शन है, तो हमने ये बनाया, फिर यहाँ पे हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाया, पार्शियल डिफरेंशिएशन से ये आया जिसमें तीन फैक्टर आया यस यस डैश और यस डबल डैश, तो ये तीनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो हमने देखा कि सबसे मोस्ट हार्मफुल यस है, अगर यस को कंट्रोल करोगे तो यस डैश और यस डबल डैश इज ऑटोमेटिकली कंट्रोल, क्योंकि ये देखिए बीबी की वैल्यू तो बहुत कम है, ये भी फैक्टर इसी पे डिपेंडेंट है क्योंकि बीटा इक्वल टू क्या होता है, बीटा इक्वल टू भी आपका जानते हैं क्या होता है, आई सी बाई क्या होता है, आई बी। तो अब हम ये कैलकुलेट करने चल रहे हैं स्टेबिलिटी फैक्टर, जैसा कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, आइए स्टेबिलिटी फैक्टर हम कैलकुलेट करें। तो स्टेबिलिटी फैक्टर में ये देखिए ये जनरल इक्वेशन है, सभी लोगों को पता है, ये इक्वेशन सभी लोगों को पता है, आईसी जो रहता है बीटा इंटू आई बी प्लस बीटा प्लस वन इंटू आईसी बी, इसी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू आईसी, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रेस्पेक्ट टू आई सी, ठीक है? तो ये हो जाएगा वन और ये क्या हो जाएगा बीटा, ये क्या हो जाएगा डेल आई बी बाई क्या हो जाएगा डेल आई सी ओ, और ये हो जाएगा प्लस बीटा प्लस वन और ये हो जाएगा डेल आई सी ओ, डेल आई सी ओ बाई डेल आई सी, आई सी के रेस्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं इस टर्म को इधर ले आया था, आ गया वन माइनस बीटा और ये क्या हो गया डेल आई बी बाई डेल आई सी ओ, ठीक है? और ये क्या हो गया बीटा प्लस वन, और इस पूरे फैक्टर को हम वन अपान यस कह रहे हैं क्योंकि अभी मैं बताया कि यस इक्वल टू क्या होता है डेल आई सी बाई क्या होता है डेल आई सी ओ, ठीक है? डेल आई सी ओ। तो यहां से यस की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा वन प्लस बीटा और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा वन माइनस बीटा और ये आ जाएगा डेल आई बी बाई डेल आई सी। तो स्टेबिलिटी फैक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर आया है, क्या आया स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर एक बार आप देखिए ध्यान से, यस इक्वल टू क्या आया वन प्लस बीटा वन माइनस बीटा डेल आई बी बाई डेल आई सी। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए आपके पास चार बाइसिंग है, चार बायसिंग में आपके पास सबसे बायसिंग कौन कौन सी है, एक फिक्स्ड बायस है, कौन सा फिक्स्ड बायस सर्किट,
फिर इसके बाद है आपके पास एमीटर बायस सर्किट, कौन सी बायसिंग है, एमीटर बायस्ड सर्किट। फिर इसके बाद आपके पास कौन सी सर्किट है, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट, ठीक है। फोर्थ आपके पास है फीडबैक बायसिंग सर्किट, ठीक है, फीडबैक बायस सर्किट। ये चार बायसिंग आप लोगों को ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं कि फिक्स्ड बायस सर्किट, एमिटर बायस सर्किट, वोल्टेज डिवाइडर बायस सर्किट एंड फीडबैक बायस सर्किट। तो ये चारों बायसिंग का हम स्टेबिलिटी फैक्टर निकालेंगे, जो किस फार्मूले से निकालेंगे, यस इक्वल टू वन प्लस बीटा वन माइनस बीटा डेल आई बी बाई डेल आई सी। तो इस फैक्टर से हम इस फार्मूले निकालेंगे बायसिंग का, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका आ गया, यस इक्वल टू वन प्लस बीटा डे वन माइनस बीटा, और ये हो गया डेल आई बी बाई डेल आई सी। अच्छा ध्यान रखिए, ये जो है स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर, जितने ये स्टेबिलिटी फैक्टर कम होगा हमारी स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जितने स्टेबिलिटी फैक्टर आपका कम होगा उतना स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। थैंक यू। आगे का जो इसमें अभी बच गया कि ये चारों बायसिंग का स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना है हमें, कैलकुलेट करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।